ओके हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? चलिए अब हम बात करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स की, है ना। लास्ट क्लास में कल हमने बात की थी कि मैं बहुत अच्छा हूँ, कल बात की थी कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस की, जिसमें रोटेशन, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन, शेयरिंग, है ना, कुछ बेसिक आइडियाज हमने सीखे थे और देखा था किस तरह से आइडिया चेंज हो सकता है। सॉरी, अभी ट्रांसलेशन की बात आई थी, हमने नहीं की थी, तो ट्रांसलेशन की बात आज हमें करनी है। उसके बाद एक दो आइडियाज और इनडेप्थ देखेंगे और फिर देखेंगे होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स का एक कंसेप्ट होता है, तो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स क्या है और मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ करने हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन में आपको ट्रांसलेशन भी करना है, रोटेशन भी करना है, स्केलिंग भी करना है, तो क्या तीनों ऑपरेशन को कंबाइन किया जा सकता है या एक एक ऑपरेशन एक बार में करना पड़ेगा, है ना। तो बड़ा मजेदार कंसेप्ट है, जहां से सॉल्व करेंगे तो बहुत मजा आएगा, है ना। तो लेट मी गो वन बाय वन, कुछ बेसिक आइडिया पहले आपसे पूछता हूं। हां, सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन का क्या आइडिया है, ये पहले आपसे डिस्कस करता हूं आज। लुक एट दिस आइडिया, देखिए एक बात यहां पर हो क्या रहा है। व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय रीपोजिशनिंग इट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट लोकेशन टू अनदर। कह रहा है एक कोऑर्डिनेट से किसी दूसरे कोऑर्डिनेट के ऊपर, है ना। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक तरीके से ट्रांसलेट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर से डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो उस आइडिया को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। कैसे? जैसे यहां पर देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारे पास है और एक कोऑर्डिनेट है, लेट मी इसका नाम रख लेता हूं पी, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई से आई थिंक आप मतलब समझते हो कि एक्स एक्सिस पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्स और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट कितना है वाई। अब हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट नई पोजीशन ले ले, विच इज एक्स डैश वाई डैश। फॉलो करिएगा, नहीं रिफ्रेश करो भाई, आप रिफ्रेश करिएगा एक बार। ओके, तो यहां पर देखिएगा, जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो अब आप देखिए एडिशनली यहां पर हुआ क्या है। क्या हमने एक्स साइड पे इसको फर्दर टी एक्स पुश किया है? जी हाँ। तो अगर पहले अगर डिस्टेंस एक्स था तो मान लीजिए प्लस उसमें टी एक्स करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस पे देखेंगे तो अगेन अगर डिस्टेंस पहले वाई था तो इधर हमने टी वाई पुश किया है, इसने बताया कि ये डिस्टेंस टी एक्स है, ये डिस्टेंस टी वाई है। तो अगर प्रीवियस कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में आप देखेंगे तो एक्स डैश और वाई डैश, एक बार देखिए एक्स डैश क्या हो जाएगा, इट इज एक्स प्लस टी एक्स और वाई डैश क्या होगा, एक्स प्लस टी वाई। एक बार देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं क्या? जी ओके। अच्छा, ये जो ट्रांसलेशन डिस्टेंस है, जो हमने नया डिस्टेंस कवर किया ना, इसको हम ट्रांसलेशन वेक्टर या फिर शिफ्ट वेक्टर भी बोलते हैं। वी कॉल इट व्हाट? ट्रांसलेशन वेक्टर या शिफ्ट वेक्टर। तो अगेन, अभी तो यहां पर जो नजर आ रहा है ग्राफ के अंदर, ये जो ट्रांसलेशन किया हमने टोटल आइडिया पे किया है या किसी एक वर्टेक्स पे ट्राई कर रहे हैं, किसी एक वर्टेक्स पे ट्राई कर रहे हैं। बट अब अगेन, अगर आप चाहो तो उसको टोटल पॉलीगन पे ट्राई कर सकते हो। तो पहले अगेन मैं इस बात को जनरलाइज कर लेता हूं। आप जानते हैं यहां पर जो भी ऑपरेशन या इक्वेशन हमें समझ आ रही है उसको पहले मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो अगेन मुझे बताइएगा, अगर हमारे पास जो कल आइडियम समझ रहे थे, अगर हमारे पास जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है, जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है, वो है एक्स वाई, तब आप मुझे बताएं जो नए कोऑर्डिनेट आ रहे हैं विच इज एक्स डैश वाई डैश, इस बार कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी या ऐड करनी पड़ेगी? फॉलो कर पा रहे? इस बार शायद आपको ऐड करना पड़ेगा, और एक्स जो है उसके अंदर टी एक्स ऐड करना है, वाई जो है उसके अंदर टी वाई ऐड करना है। बहुत सिंपल है, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस ओके। तो अगेन देखिए, वही काम मैं यहां पर कर रहा हूं। तो पी डैश जो है दैट विल बी अगेन, वो आगे पीछे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पी डैश इज पी प्लस टी, जहां पर पी जो है वो हमारे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है और टी जो है वो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है। जैसे यहां पर अगर एग्जांपल आप देखोगे तो अंडरस्टैंड, हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के, तो अगर आप ध्यान से देखो, एंड इफ आई वांट टू फिगर इट आउट, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये है आई थिंक 15.5, ये कोऑर्डिनेट क्या है, दिस इज 9.2 मान लेता हूं, एंड दिस इज 20.2। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके, अब अगर आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो नीचे वाला पॉइंट कहीं ना कहीं 5 पर पहुंच गया है। तो मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान से देखेंगे, शायद टी वाई की वैल्यू यहां पर 3 है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वाई एक्सिस पे वो 3 यूनिट्स हुआ है, मेरा थोड़ा सा ऊपर ही चला गया है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, टी एक्स जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो मेरे ख्याल से इसको शायद वापस बुला लिया गया है और ये शायद 4 पे नजर आ रहा है, तो आई थिंक इट इज -5। देखिए ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? यस। तो अब अगर कोई आपसे पूछता है नए कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश क्या होंगे इस पॉलीगन के लिए खासकर, तो आप बोलेंगे जो भी ओल्ड कोऑर्डिनेट्स थे, है ना, दैट इज एक्स एंड वाई, उसके अंदर भी आपको ऐड करना पड़ेगा 3 -5। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? एंड देन यूजिंग दिस आइडिया, आप किसी भी कोऑर्डिनेट के नए कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे। तो अब अगेन अगर मैं एक करके आपसे पूछूं, आप मुझे बताएंगे लेट मी नेम देम ए बी सी, तो अगर ए की पहले मैं बात करूं तो क्या होगा? तो ए के केस में 9.2 या 9.2 में जब हम ऐड करेंगे 3 और -5, तो नए कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे? 9 + 3 = 12 एंड 2 - 5 = 3। तो आप मुझे बताएं क्या यहां पर कौन सा मिल गया? अच्छा, सॉरी, उल्टा करना पड़ेगा ना, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। एक्स के अंदर -5 है, तो ऊपर -5 और पीछे 3, है ना, -5 और 3 अगर मैं करूंगा तो अब बताइएगा -5 3 के बाद क्या आएगा? तो 9 - 5 = 4 एंड 2 + 3 = 5, तो जो नया कोऑर्डिनेट यहां पर आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 4.5, ए डैश बोल सकते एक तरीके से। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? सिमिलरली दूसरे वर्टेक्स के लिए भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। तो मान लीजिए एक और वर्टेक्स हमारे पास है जो था सी या बी देख लेते हैं, तो बी के कोऑर्डिनेट्स थे 15 और 5, तो इसमें भी सेम ऑपरेशन करेंगे, एक्स के लिए -5, वाई के लिए +3, तो यह आ जाएगा 10.8। और आप देखिएगा यहां पर देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली दिस इज 10 एंड एक्स के लिए इट इज लगभग 8 पे पहुंच रहा है, और यही काम सी के लिए कर सकते हैं। सी के ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स थे 20.2 और यहां पर मैं करूंगा -5 और 3, तो ये हो जाएगा 15 और एक्स के ऊपर हो जाएगा 5, तो यहां पर आप देख सकते हैं नाउ दैट सी डैश इज 15.5। तो पूरे के पूरे जो आपका पॉलीगन है, अगर सेम कहानी बस हम उसके हर वर्टेक्स पे लगाएंगे, तो हम उसे एक्स में या वाई एक्सिस में डिस्प्लेस कर सकते हैं। फॉलो कर पा रहे हैं क्या?
है ना। तो अगर ट्रांसलेशन की कोई बात करें तो एक दो पॉइंट जरा मैं क्लियर कर लेता हूँ। ट्रांसलेशन का मतलब क्या हम ऑब्जेक्ट का साइज कम या ज्यादा करते हैं, एक बार सोच के बताइएगा। नहीं है ना, सिर्फ कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हम उसको मूव कर रहे हैं आइदर एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे या दोनों पर, है ना। तो हम उसकी पोजीशन कहीं भी चेंज कर सकते हैं, तो बड़ा ही काम का और इंपॉर्टेंट है ना। कर कैसे रहे हैं अभी तक, अगर आपको याद होंगे जितने भी ट्रांसलेशन पढ़े थे, वहां पर अगर हमें रिजल्ट मिल रहा था पी डैश और ओरिजिनल हमारे पास था टी, तो जैसे स्केलिंग हमने किया था तो स्केलिंग में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना पड़ा था, ऐड मल्टीप्लाई करना पड़ा था, मैं आपको दोबारा याद दिलाऊंगा। उसके बाद हमने रोटेशन किया था, रोटेशन के केस में भी जो रोटेशन मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई करना पड़ा था, लेकिन यहां पर ट्रांसलेशन के केस में ये जो मैट्रिक्स है आपको मल्टीप्लाई करना है कि ऐड करना है, सिंपली ऐड करना है, बिकॉज एक्स और वाई के अंदर हम चेंज कर रहे हैं, है ना। और ये जो टी एक्स और टी वाई है आप देख रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा हुआ, जरूरत के हिसाब से क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, है ना जी हाँ। तो ऐसा नहीं है कि जब इसको हमें ट्रांसलेट करना है तो कहीं दूर ही लेके जाना होगा, दूर भी लेके जा सकते हैं, पास भी लेके आ सकते हैं, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। कई बार फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन देखिए, नेट में पूछा था, लुक एट दिस क्वेश्चन। द टाइप ऑफ, अच्छा ये नहीं लिखा, कोई बात नहीं, द टाइप ऑफ ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट फॉर रीपोजिशनिंग इट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पर रीपोजिशन करना है, है ना, तो पूछा है कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, स्केलिंग है, रोटेशन है, ट्रांसलेशन है, रिफ्लेक्शन है, तो ये तो भाई ट्रांसपोजिशन ट्रांसलेशन है। देखो मुझे बताएं, ये जो ट्रांसलेशन का नया आइडिया हम फॉलो कर रहे हैं, क्या बात समझ आई सभी को? यस। अच्छा एक चीज और है, वो क्या, कल मैंने आपसे रोटेशन की बात की थी, यस। और रोटेशन के केस में हम देख रहे थे अप्रोच क्या है कि अगेन अगर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है पी एक्स वाई और रिजल्टेंट कोऑर्डिनेट है पी डैश एक्स डैश वाई डैश, तो उनके रेफरेंस में नहीं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। हमने जब कल बात की है तो अभी एक ही बात की है कि जो रोटेशन है वो किसके रेस्पेक्ट में हुआ है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर उसे थीटा डिग्री से हम फर्दर मूव करें तो जो नए वर्टेक्स आएंगे वो आएंगे क्या, पी डैश के अंदर आएगा एक्स डैश वाई डैश। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? और इक्वेशन मैंने आपको बताई थी जहां पर हमें पता है कि एक्स डैश जो होता है वो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा और वाई डैश इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, है ना, जिसको आप फर्दर इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इसमें दो तीन ऑपरेशन, दो तीन आइडियाज मुझे आपको सिखाने, थोड़ा सा जनरलाइज करने के लिए, बस कोऑर्डिनेट सिस्टम, जब होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ेंगे तो फर्दर कुछ चीज हमें दोबारा से देखनी पड़ेगी। तो पहले पॉइंट है कि कल मैंने आपको इन इक्वेशंस का इन्वेस्टिगेशन करा था कैसे आए हैं, नहीं है ना, तो हमने डायरेक्ट इक्वेशन लिखे थे, लेकिन बाकी जितने भी ऑपरेशन हैं क्या हर किसी को कायदे से हमने डिराइव किया है? हाँ, तो एक सिंपल तरीका मैंने थोड़ा सा समझने की कोशिश की है, उसके थ्रू एक छोटा सा डेरिवेशन आपको करके दिखाना चाहता हूँ, है ना, सो दैट प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हुआ आपको, बिकॉज़ अभी तक ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं जो काइंड ऑफ हमने रटा हो, उसको भी नहीं रटते, इसकी प्रोसेस को एक बार समझते हैं, ट्राई करेंगे एक बार, नहीं तो क्वेश्चन तो याद कर ही सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि ये जो इक्वेशन हमारे पास है, क्या इसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछता है या इस तरह से क्वेश्चन पूछता है? नहीं, आपको सिर्फ इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, बट फिर भी मैं थोड़ा कोशिश करना चाहता हूँ कि समझाऊं कि इसका मैथमेटिक्स का इक्वेशन कैसे आया। यस, ठीक है, तो अगेन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आपको याद दिलाता हूँ एक बार, है ना, और फिर कुछ सवाल पूछूंगा। तो आपको कुछ ऐसा याद है, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब क्या होता है, टेन थीटा? तो मुझे पता नहीं आप लोगों ने कैसे याद किया, हम लोग कैसे याद करते थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, आपने वैसे याद किया है क्या, या सब लोग अच्छा ऐसा नहीं याद करते थे? अच्छा हिंदी में हो सकता है, उसको दूसरे तरीके से देखते, ओके आई एम सॉरी, ठीक है, या कोई ऐसा भी था पंडित जी भूला प्रसाद हरर बोले समथिंग लाइक दिस, चले खैर जो भी है। पहला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, सेकंड वन इज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज टेन थीटा, साइन कॉस टेन, जब उल्टा चलेंगे तो एच अपॉन पी कॉसेक, एच बाई बी स्कॉट सॉरी सेक, एंड बी बाई पी स्कॉट। फॉलो कर पा रहे? तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री बस आपकी एडवाइस कराऊंगा, बट कोशिश करूंगा कि आइडिया आपको रटना ना पड़े, है ना, थोड़ा सा देखेंगे तो समझ आएगा। अच्छा दो तीन पॉइंट मैं पूछ लेता हूँ, अगर मान लीजिए ये प्रोजेक्शन हम देख लेते हैं इधर, तो आप मेरे को बताओगे कि यहाँ से ओरिजिन से इस प्रोजेक्शन तक का डिस्टेंस क्या है? कैन आई से दिस इज एक्स? जल्दी से बताइएगा, जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट हमारे पास है, तो ओरिजिन से इस वर्टेक्स का डिस्टेंस मैं क्या मान सकता हूँ, एक्स? ओके, सिमिलरली अगर ये देखिए एक नया प्रोजेक्शन मैं लेना चाहता हूँ जो नया वर्टेक्स हमारे पास है, ओके, तो अगर पी डैश के रेस्पेक्ट में हम देखें तो पी डैश के रेस्पेक्ट में ये जो नया डिस्टेंस है ये क्या है, आई थिंक एक्स डैश, ये फॉलो कर पा रहे हैं क्या? और सेम कहानी जो है वो आप इधर भी लगा सकते हो कि ये जो नया डिस्टेंस है ये क्या है, दैट इज वाई डैश, और जो ओरिजिनल डिस्टेंस था आपका वो कितना था, वो पहले वाई था, ये बात समझ आ रही है क्या? तो जो रेड कलर में है वो नया सिस्टम है, वाई कलर में जो है वो, ब्लू कलर में जो है वो पुराना है। यस yes? अच्छा अब एक एक करके दो तीन पॉइंट और पूछता हूँ आपसे, वो क्या कि ये जो डिस्टेंस है पी डैश का या पी का फ्रॉम द ओरिजिन, क्या ये सेम है या ये भी चेंज हुआ है? इफ आई कॉल दिस आर, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर पी का जो डिस्टेंस है वो आर है, तो क्या ये सेम है? अभी आप ध्यान से देखेंगे, हमने सिर्फ कुछ डिग्री से रोटेट किया है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फॉलो कर पा रहे क्या पॉइंट? ओके, अब मैं एक एक करके कुछ एंगल्स यहाँ पर पूछता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री कुछ आइडिया पूछूंगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस फाई? कॉस फाई तो आप जानते हैं, व्हाट इज कॉस? साइन कॉस। कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और मैं बात कर रहा हूँ फाई की, तो फाई के रिस्पेक्ट में कॉस फाई को अगर मैं एक्स बाय आर लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? वाई कहां से आ गया भाई? बेस, ट्रायंगल का बेस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो कैन आई से दैट इज एक्स बाय आर? हम अभी फाई के रेफरेंस में देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, आप बाकी लोग देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? कॉस फाई इज इक्वल टू एक्स बाय आर। ओके, तो यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूं तो एक्स क्या हो जाएगा? कैन आई से दैट इज आर इनटू कॉस फाई? तो इसको मैं बाद में यूज करूंगा, कैसे करूंगा वो देखेंगे। अच्छा अगेन अगर मैं आपसे पूछता हूं साइन फाई क्या होगा, तो देखिए साइन पहला ही हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब यहां पर फाई के रेस्पेक्ट में जो बात कर रहा हूं, तो परपेंडिकुलर है हमारा वाई और हाइपोटेन्यूज है हमारा आर, तो अब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? नाउ दैट विल बी साइन फाई आर साइन फाई, पहले लिख लेता हूं,
r multiply है and then you have sin phi, तो now you are on r sin phi. क्या ये दोनों point follow कर पा रहे हैं क्या? Yes. तो जस्ट मैंने phi के respect में क्योंकि पहले angle को value करना पड़ेगा, just trigonometric value ली है. अच्छा अब अपन चलते हैं दूसरे angle के ऊपर, but again आपकी मदद करके थोड़ा सा बताइएगा, यहाँ पर सिर्फ theta लेना है कि theta plus phi लेना पड़ेगा? सोचिए, अब नई कहानी पे theta plus phi लेना पड़ेगा, तो मैं दोबारा लिखता हूँ, अगर गलती करूँ तो बताइएगा. cos phi plus theta क्या होगा? Now can I say again cos होता है sin cos base upon hypotenuse, तो base I think हमारा अब change हो रहा है which is x dash, but hypotenuse हमारा same है which is r. तो जरा ये equation देखिए मैं सही लिख रहा हूँ क्या? कोई भी doubt हो तो बताओ. मैंने बहुत सारे derivation समझने की कोशिश की, लेकिन वो idea आपको बता रहा हूँ जो सबसे आसानी से cover कर सकता है. Yes, similarly अगर दूसरे साइड में लिखता हूँ sin phi plus theta is equals to y dash by r, चलेगा क्या? Because again what is sin perpendicular upon hypotenuse, इस बार perpendicular आपका हो जाएगा y dash और hypotenuse आपका r ही है. अच्छा इन दोनों equation में clue है, आप देखेंगे x और y के साथ साथ क्या clue है, r की value same है. अब उसको कैसे यूज करेंगे समझना है, बट यहाँ पर अगेन अगर इस इक्वेशन को मैं इक्वेट करूं और आपसे पूछूं x डैश क्या होगा, तो x डैश होगा r इंटू cos phi प्लस थीटा, और यहाँ पर y डैश क्या होगा, अगेन r इंटू sin phi प्लस थीटा. यस अब बात आगे अटक जाती है इस फॉर्मूले पे. आपको याद है व्हाट इज cos a प्लस बी? याद है क्या किसी को cos a प्लस बी क्या होता है? अच्छा मैं दिला देता हूँ, दैट इज cos a cos b, ये ऊपर लिख देता हूँ. cos a प्लस बी इज cos a cos b माइनस sin a sin b. ये फॉर्मूला होता है, अगर देखो याद आ रहा है पुराना पढ़ा होगा आपने. Yes, cos a cos b minus sin a sin b. तो ये formula मैं इधर लगा लेना चाहता हूँ. और अब आप मुझे बताएं x dash अगर करेंगे तो क्या होगा? I can say that is r into cos phi cos theta minus r sin phi sin theta. देखिए follow कर पा रहे हैं क्या? बस मैंने formula expand किया है. cos phi cos theta और sin phi sin theta. लेकिन मजे की बात क्या है? अगर आप गौर करेंगे r cos theta और r sin theta, क्या ये दोनों वैल्यू हमने पहले से calculate की हैं? Observe करिएगा. जी हाँ. तो अब can I say x dash is equals to x cos theta minus r sin is y sin theta. और क्या बहुत देखिए बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं था, क्या यही वो वैल्यू थी जिसको कल हम रेफरेंस मान के चल रहे थे? x dash is equals to x cos theta minus y sin theta. जी हाँ. तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये करने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, चीजें समझ आती है. ठीक है, ये इस तरह से कैलकुलेट हुआ है ना, इसको एक बार और रिवाइज करोगे तो आपको याद रह जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ओके अब अगेन ये दूसरा फॉर्मूला मेरे को चाहिए. किसी को याद है व्हाट इज sin a प्लस बी? व्हाट इज sin a प्लस बी? तो दिस इज cos a sin b माइनस, वेरी गुड, तो कुछ कुछ याद है, माइनस cos b sin a. वेरी गुड, फॉलो कर पा रहे क्या पॉइंट? अच्छा सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस होगा. जी हाँ, नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, cos a sin b प्लस cos b sin a. ठीक है, अब अगर इधर मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ तो बताएं क्या होगा? y dash is equals to r, तो यहाँ पर वही लिखता हूँ, cos phi sin theta plus r cos theta sin phi. सिर्फ एक्सपेंड किया है. अगेन आप देख सकते हो क्या r cos theta और r sin theta की वैल्यू पहले से अपने को पता है? जी हाँ. तो y dash क्या हो जाएगा? अगेन दैट बिकम्स x sin theta plus y cos theta. और आई थिंक यही एग्जैक्ट डेफिनेशन थी जो हम कल स्टैंडर्ड मान के चल रहे थे, x sin theta plus y cos theta. ओके अच्छा जहां तक दूसरी बात है तो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. अब यहां से इस आइडिया को ऐसे लिखना तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है. आप जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मतलब हमें स्टैंडर्ड चाहिए ना, तो मेरे को ऐसे लिखना है p dash is rotation into p मैट्रिक्स फॉर्म में. तो आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लीजिए, तो r cos theta x cos theta जाएगा minus y sin theta जाएगा, और इधर x sin theta जाएगा अगेन y cos theta जाएगा. फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस ओके अच्छा तो अगेन जो ट्रांसपोजिशन वाला आइडिया है, जो रोटेशन यहां पे मैं इसको बोल सकता हूं, जो रोटेशन हम कर रहे हैं वो तो इसी के अंदर लाई कर रहा है. क्या बात समझ आ गई सभी को? अच्छा कल मेरे को याद है गौतम आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो क्या कि जैसे वर्टेक्स को मैं हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर रहा हूं लाइक x एंड y, तो क्या सॉरी वर्टिकली कर रहा हूं, क्या मैं उसको हॉरिजॉन्टली भी कर सकता हूं क्या? है ना, तो अगेन एक बात समझिएगा, अगर आप हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फिर करना क्या पड़ेगा, क्या पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा? हाँ है ना. फॉर एग्जांपल बस मैं क्योंकि तो देखो मैट्रिक्स मैट्रिक्स को फर्क नहीं पड़ता, एक बार देखिएगा अगर मैं पूरे आइडिया को चेंज करूं तो मैं कैसे लिखूंगा? कैन आई से वाई डैश एक्स डैश इज इक्वल्स टू, और इस बार ये कोऑर्डिनेट मैं पहले लिखूंगा, मेरे को सब कुछ उल्टा होगा, एक्स वाई, और ये इक्वेशन होगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा. यानी कि नाउ दैट p डैश इज इक्वल्स टू, अब पहले आप p लिख रहे हैं फिर रोटेशन वाली बात लिख रहे हैं, बट मैथमेटिक्स सेम है, क्रॉस करके देखो इसको, x sin थीटा x cos थीटा माइनस y sin थीटा एंड x sin थीटा प्लस y cos थीटा. फॉलो कर पा रहे हो क्या? तो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट सेम आएगा. जी हाँ लेकिन मैथमेटिक्स दोनों सही है. ज्यादातर राइटर जो मैं कल चेक कर रहा था वो वर्टिकल सिस्टम यूज करते हैं, आपकी चाहे चाहे तो हॉरिजॉन्टली भी लेकर चल सकते हैं, इट्स लाइक अ के मैप की तरह है, आप जैसे चाहे वैसे इसको प्रोग्रेस कर लें. अब आप एक बार मेरे को बताएं रोटेशन वाली बात समझ आ रही है क्या? ओके चलिए ठीक है, तो रोटेशन का आइडिया हमको समझ आया. अब अगेन देखिए जैसे स्केलिंग की कल हमने बात की थी, तो स्केलिंग में एक बार आपको याद दिला देता हूँ, स्केलिंग में हम क्या कर रहे थे, साइज को कम ज्यादा कर रहे थे, तो हमने सब जगह जो हमारा कोऑर्डिनेट है उसको लास्ट में ही रखा है, और जो भी आपकी वैल्यू है जो चेंज अपने को करना है उसे हम स्टार्टिंग में रख रहे हैं. यस ओके अब देखिए बात मेरे को आपको समझानी है, पॉइंट क्या समझाना है कि हम यहाँ पर अब एक नया आइडिया डिस्कस करना चाहते हैं, है ना, और वो आइडिया क्या है, वो आइडिया होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स का. तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है मैं मानता हूँ, अभी तक जितना हमने पढ़ा हो सकता है सब थोड़ा सा आपका आइडिया गड़बड़ हो जाए, लेकिन एक बार आपको समझ आ गया तो फिर क्वेश्चन ऐसे छुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे.
तो मुझे इस कोऑर्डिनेट्स का आइडिया आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ रहा है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़े हैं। तो ग्राफिक्स के अंदर क्या हमको नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ते हैं? यस। और जैसा मैं आपसे बोला अभी तक, तो मैं आपसे एक या दो अलग अलग बात कर रहा था, और प्रैक्टिकल बात क्या है, क्या एक ही टाइम पे एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन भी करने पड़ते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमको जैसे यहाँ पे लिखा है स्केलिंग करना है फॉलोड बाय रोटेशन एंड देन ट्रांसलेशन, तो अगर तीन चार काम आपको करने पड़ेंगे तो सोचिए क्या क्या करना पड़ेगा। आपके पास अगर एक्स और वाई है, मान लीजिए पहले आप रोटेशन कर रहे हैं तो आपको एक्स वाई मिलेंगे, उसके बाद लिखा है क्या करना है स्केलिंग करना है, या स्केलिंग फॉलोड बाय रोटेशन, पहले स्केलिंग फिर रोटेशन, फिर आपको क्या मिलेगा एक्स डबल डैश वाई डबल डैश, और उसके बाद आपको ट्रांसलेशन भी करना है, देन यू गेट एक्स ट्रिपल डैश वाई ट्रिपल डैश, है ना। तो अब आप मुझे बताओ ये काम करना आसान है कि मुश्किल है? आपको तीन बार पूरे पूरे मैट्रिक्स बनाने हैं, इक्वेशंस बनानी है, सॉल्व करना है। लेकिन क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम पहले ये जो तीनों ऑपरेशंस करने हैं इनका एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लें और उसके बाद देखें कि उसको कैसे हैंडल करना है, एक बार में ऑपरेशन अप्लाई करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना। तो सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, करने में उतना इंटरेस्टिंग होगा, तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। लेकिन वो करने के लिए क्या हमें होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स पे स्विच करना पड़ेगा पहले? जी हाँ, है ना। तो मैं अभी करना क्या चाहूँ, बस अगेन आपसे आइडिया पहले डिस्कस करा था, आपको समझाने का कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले अगेन स्केलिंग रोटेशन और ट्रांसलेशन, अगर इन सबको आप पहले ही ऑपरेट कर लें एक दूसरे के साथ और उसके बाद अपने पी से मल्टीप्लाई करें, ऑपरेट करें, तो क्या हम सीधे नए पी डैश पे पहुंच सकते हैं जिसके अंदर रोटेशन, स्केलिंग, रोटेशन और ट्रांसपोज तीनों काम होंगे? जी हाँ, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन ये सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे नहीं होगा, इसके लिए हमें पहले होमोजेनियस कोऑर्डिनेट पे स्विच करना पड़ेगा। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं, है ना। हालांकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स काम नहीं है, कैसे इस काम को करते हैं, अगेन एक एक करके पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो लुक एट दिस, क्या लिखता हूं यहां पर, अ मोर एफिशिएंट अप्रोच विद बी टू कंबाइन द ट्रांसपोजिशन सो दैट द फाइनल कोऑर्डिनेट पोजीशन आर ऑप्शन डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल इनिशियल कोऑर्डिनेट बाय एलिमिनेटिंग द इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस, वो जो मैं आपसे बोल रहा हूं वो काम आपको वो करना है। सर तीनों का सीक्वेंस चेंज करने पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अभी मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछूंगा, मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर आप कह रहे हो पहले स्केल करना है फिर रोटेट करना है फिर ट्रांसपोज करना है, ये तो आपने ओरिजिनल मेरे को ऑपरेशन बताया, यस नो, पहले स्केल फिर रोटेट फिर ट्रांसपोज। मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं इस ऑपरेशन को चेंज कर दूं, मैं बोलूं पहले ट्रांसपोज करो मान लीजिए फिर स्केल करें फिर रोटेट करें, क्या सेम इमेज आएगा कि चेंज हो जाएगा? आप बताओ। अभी आगे जाके हम देखेंगे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा, है ना। तो अगर इंडिविजुअली ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ेगा तो हमें भी फर्क पड़ेगा। मैंने पहले और मैट्रिक्स में आप जानते ही हो शायद, क्या नहीं, से ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए, तो कम्यूटेटिव तो ये नहीं होता, है ना। तो इसका मतलब ऑर्डर चेंज करने से मैट्रिक्स को फर्क पड़ेगा। तो क्या आप जिस ऑर्डर में ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं मैट्रिसेस को भी उसी ऑर्डर में लिखेंगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जी हाँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे, जिस ऑर्डर में लिखेंगे उसी ऑर्डर से ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा। क्या बात सोच पा रहे? ओके ठीक है, और कोई कंफ्यूजन है किसी को होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स के बारे में? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करके करते क्या है। तो पहला काम हम यहाँ पर करते हैं कि जो भी हमारे 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, उनको हम एक्सपेंड करते हैं 3x3 मैट्रिक्स के अंदर। कैसे करते हैं, एक एक पॉइंट भी समझेंगे, है ना। लेकिन 3x3 मैट्रिक्स पे जब हम चले जाते हैं तो उससे क्या होता है कि जितने भी ऑपरेशन हैं उन सबको हम बहुत आसानी से कंबाइन कर पा रहे होते हैं। तो इसकी शुरुआत हम पहले अपने कोऑर्डिनेट से करते हैं। हमारे पास जो भी कोऑर्डिनेट होता था पी, अभी तक आपको याद है उसे कैसे रिप्रेजेंट करता था, एक्स एंड वाई। अब सवाल यार, कोऑर्डिनेट तो दो ही होता है 2-डाइमेंशनल में, तो फिर तीन पे कैसे इसको लेके जाएं, 3D हो जाएगा। हाँ, बट वो 3D नहीं है, इसको हम डमी बोलते हैं एक तरीके से। डमी क्या करता है, हम इसको होमोजेनियस कोऑर्डिनेट पे लेके जा रहे हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स वाई एंड डब्ल्यू। तो क्या डब्ल्यू हमारा थर्ड डायमेंशन है? आप चाहें तो 3D के लिए ऐसा सोच सकते हैं, वैसे ये नहीं है बिकॉज हम इसको डमी वैल्यू मान के चल रहे हैं। और एक्चुअली जो हम करते हैं वो ये कि यहाँ पर फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी हम डब्ल्यू की वैल्यू 1 ही मान लेते हैं हमेशा। डमी समझते हैं मतलब, क्या बोलूं डमी का मतलब, खोखला जिसकी कोई मतलब ना हो, ट्रिवियल बात जो हो। यस, जो दुकान के बाहर पुतला लगा के रखते हैं ना उसको कपड़े पहना के, उसको डमी बोलते हैं। ओके, अब देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, अगर मैं एक्स और वाई को एज इट इज लिखूं और यहां पर 1 लिख लूं, कोई प्रॉब्लम है क्या, है ना। और दो, अगर हम इसको और डेप्थ में देखेंगे, ऐसा नहीं जैसे मैं रैंडमली ऐसा लिख रहा हूं, कुछ प्रॉपर्टीज हम यहां पर बोल रहे होते हैं, क्या बोल रहे हैं होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स पे जाके। तो देखिए स्ट्रिप्लेट एक्चुअल मतलब आपको समझा रहा हूं, ओरिजिनल जो कोऑर्डिनेट था वो थे एक्स और वाई, हम बोलते हैं हम इसको लिखेंगे एक्स एच, एच किसके को रिप्रेजेंट कर रहा है, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम को, दूसरा हम लिखेंगे वाई एच और तीसरा हम लिखेंगे डब्ल्यू। और कंडीशन क्या सेटिस्फाई होती है, कंडीशन कहता है एक्स इज इक्वल टू एक्स एच बाई डब्ल्यू एंड वाई इज इक्वल टू वाई एच बाई डब्ल्यू। बट अगेन आप जानते हैं फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी हमने W का वैल्यू क्या लिया है, 1। तो अगर W को आप हमेशा 1 रख के चलेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, तो डायरेक्ट X क्या हो जाएगा, X इज इक्वल टू X होमोजीनियस, कोई चेंज नहीं है, और Y इज इक्वल टू Y होमोजीनियस और W की वैल्यू 1। तो मैं इसको दोबारा X, Y और 1 जैसा वहां से बोला था ऐसा लिख सकता हूं। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? हालांकि आप समझिएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिखूं, तो आप मुझे बताएं, लेट मी राइट 2X 2Y एंड 2, तो आप मुझे बताएं क्या दोनों सेम बातें हैं, 2X 2Y एंड 2? यस, अगर हम देखें X का वैल्यू क्या है, एक्चुअली इट इज X होमोजीनियस बाय W एंड Y का वैल्यू इज Y होमोजीनियस बाय W। अब 2X बाय 2 करेंगे दोबारा X ही मिल जाना आपको, और 2Y बाय 2 करेंगे दोबारा Y ही मिलेगा। बट पहले आपने समझ लिया कि सिंपल जो आपका कोऑर्डिनेट X एंड Y उसको होमोजीनियस पे कैसे लेके आते हैं, क्या ये बात समझ आ रही है? ओके, अब जैसे हम अपने कोऑर्डिनेट को लेके आए, है ना, उसी तरह जो हमने स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं, जैसे हमने स्केलिंग पढ़ा है या फिर हमने रोटेशन पढ़ा है या हमने ट्रांसलेशन पढ़ा है, क्या उनको भी इसी कोऑर्डिनेट पे लाना पड़ेगा? बिल्कुल। तो अगेन अगर मैं एक एक करके बहुत सिंपल आइडिया से बात करूं तो मैं बहुत आसानी से फॉलो कर पाएंगे। अभी 2 मिनट पहले हमने ट्रांसलेशन की बात की है, है ना। अब ट्रांसलेशन के साथ एक डबल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ट्रांसलेशन जब हमने स्टडी किया था तो शायद हमने लिखा है पी डैश इज इक्वल टू व्हाट, पी डैश इज इक्वल टू ट्रांसपोजिशन जो भी वैल्यू है प्लस पी, क्योंकि वहां पर ट्रांसपोजिशन की जो मैट्रिक्स है उसको हम प्लस करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं ट्रांसलेशन को, लेकिन बाकी सब केस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर आपको बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ अप्रूव करने हैं तो क्या इसको भी मल्टीप्लाई फॉर्मेट में लिखना आपको आना चाहिए? जी हाँ। तो सवाल है कि मैं इसको किस तरह से चेंज करूं सो दैट मेरे को ट्रांसलेशन भी ऐसे लिखना जाए,
है ना। तो एक ऑब्जर्वेशन करिएगा, जहां तक बात पी की है तो पी पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, वो अब हो गया है पी एक्स एंड वाई। क्या फॉलो कर पा रहे हैं? वन। पी और एक्स के साथ साथ हमने क्या भी लगाया? वन लगा दिया है ना। अब यहां पर मैं पहले आपको याद दिला दूं, पहले हम ट्रांसपोजिशन को क्या लिखते थे? इट इज टी एक्स एंड टी वाई अलग से। अब मैं इसको इस मैट्रिक्स के अंदर लाना चाहता हूं, पूरी इक्वेशन लिखूं, तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले बना रहा हूं, वन 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 इसकी पोजीशन याद रखिएगा, और अब मैं यहां पर एक्सट्रीम राइट में लिखता हूं टी एक्स एंड टी वाई, है ना। लेकिन आप सोच सकते हैं जब इस दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 एंड दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 1, अब जरा बताओगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो मेरे को आप मेरे हिसाब से आपको मिलेगा क्या? एक्स मिलेगा प्लस क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? आई थिंक टी एक्स मिलेगा, एक्स प्लस टी एक्स। सेकंड देखिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस बार आपको वाई मिलेगा प्लस टी वाई मिलेगा, और लास्ट में आपको वन मिलेगा। गेम समझ आ रहा है आपको? कितने शानदार तरीके से हम अगेन सेम रिजल्ट पे पहुंचे। ये कुछ और नहीं, ये एक्स डैश ही है और ये कुछ और नहीं, ये वाई डैश ही है। लेकिन अब ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। आज के बाद कोई आपसे ट्रांसपोज करने के लिए बोले तो क्या होमोजेनियस सिस्टम में आप ट्रांसलेट करने के लिए बोले तो क्या होमोजेनियस सिस्टम में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं? जी हाँ, ये आपको याद रहना चाहिए। आइडेंटिटी 111000 एक्सट्रीम एक्स में टी एक्स और टी वाई रहेगा। फॉलो कर पा रहे इस बात को? यस। अच्छा, अगला बताइए, ट्रांसलेशन के बाद हमने रोटेशन देखा है, अगेन मैं रोटेशन में खेल इतनी प्रॉब्लम नहीं, रोटेशन की ओरिजिनली भी मल्टीप्लाई ही है। जी हाँ, अब अगेन मैं आपसे पूछता हूं, अगर पी डैश रोटेशन की बात करें तो रोटेशन के बाद आप पी पर आ सकते हैं। रोटेशन के अगर मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स लिखूं, देखिए आप बताइए फॉलो कर पा रहे हैं? डिराइव हमने किया 2 मिनट पहले, तो क्या था? कॉस थीटा साइन थीटा एंड अगेन साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन 2x2 मैट्रिक्स था। अब मेरे को किस ऑर्डर में लिखना है? 3x3 में, तो लेट मी राइट 0 0 0 0 एंड 1। और अगेन मैं क्रॉस चेक करके आपको दिखा देता हूं, अगर मैं इसको हमारा जो नया होमोजेनियस कोऑर्डिनेट उससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या रिजल्ट आएगा, बताएं जल्दी से। तो अगेन आई थिंक आई गेट x cos थीटा माइनस y sin थीटा, और नीचे देखेंगे तो सेकंड रो आपको क्या मिलेगी? अगेन दैट इज x sin थीटा प्लस y cos थीटा, और लास्ट में 1। क्या मैच हो रहा है? दोबारा हमारी इक्वेशन से याद करिए, x cos थीटा माइनस y sin थीटा एंड x sin थीटा प्लस y cos थीटा, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो इसका मतलब अब आप समझिए, क्या होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में आप रोटेशन को भी रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? यस। और स्केलिंग तो मेरे को लगता है बहुत आसान है, तो स्केलिंग में आपको याद दिला दूं, अगर हम स्केल यहां पर करना चाहते हैं तो लेट मी से पी डैश स्केलिंग अगेन हमारे कोऑर्डिनेट्स, तो हम मल्टीप्लाई करते थे एक्स साइड में समथिंग और वाई साइड में समथिंग, स्केल एक्स एंड स्केल वाई, तो हमने ट्राई किया था बहुत सिंपल केस। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं स्केलिंग एक्स स्केलिंग वाई एंड देन बाकी जो भी प्लेसेस है लेट मी फिल देम बाय 0, और अगेन लेट मी मल्टीप्लाई विद माय स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। अब जरा बताएं रिजल्ट क्या आएगा? फर्स्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, तो यू गेट डायरेक्टली नॉट प्लस, यू गेट एक्स इनटू एस एक्स सेकंड केस में, फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो वाई इनटू एस वाई, और थर्ड में 1। और क्या स्केलिंग का यही मतलब था? अगर आपको याद हो स्केलिंग में तो मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, कितने टाइम जूम करना है आपको, एक्स साइड में कितना जूम करना है, वाई साइड में कितना जूम करना है, तो जी हाँ वो भी हम कर पा रहे हैं, है ना। तो जितने भी स्टैंडर्ड ऑपरेशन हमारे हैं, आप मुझे बताएं होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में क्या उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, इसमें फर्दर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है, बट अब मैं यहाँ पर जस्ट एक सिंपल केस आपको बताना चाहता हूं, ताकि जो एफर्ट हमने किया वो मैं समझ आए। मान लेते हैं, चलिए करते हैं ऑपरेशन, हमारे पास कोई ट्रायंगल है उसके कोऑर्डिनेट्स भी देख लेंगे, बट अपने को क्या करना है? ट्रायंगल को पहले आप बताओ पहले क्या करें, जैसा आप बोलो उस ऑर्डर में लिखता हूं, पहले ट्रांसलेट करें रोटेट करें कि स्केल करें? ठीक है, पहले रोटेट करते हैं उसके बाद स्केल करते हैं, जिस ऑर्डर में आपने लिखा उसके बाद ट्रांसलेट करते हैं। यस। तो अब आप मुझे सोच के बताइए कि ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स वो जो भी दे, अभी उसको चेक ही नहीं करना, क्या पहले डायरेक्टली इन तीनों ऑपरेशंस को हम कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आपने बोला पहले रोटेट करना है, फिर स्केल करना है, फिर ट्रांसलेट करना है, तो क्या ऑर्डर मेरे को सेम रखना है या चेंज करूंगा? ऑर्डर सेम रखना, वरना गेम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो आप मुझे बताएं रोटेशन की क्या होमोजेनियस मैट्रिक्स आपने डिराइव भी किया और समझी भी है, तो यू नो इट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 0, दिस इज ऑल्सो 0 1, एंड दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा, यस और नो? मल्टीप्लाई बाय स्केलिंग का क्या पढ़ा अभी आपने, स्केल एक्स स्केल वाई 0 0 0 0 0 0 1, यस। अगेन मल्टीप्लाई, नाउ दैट इज ट्रांसलेशन, इसको हमने कैसे पढ़ा याद करके बताएं, आइडेंटिटी और सारे प्लेसेस पर आप 0 रख सकते हो, एंड दैट इज टी एक्स एंड दैट इज टी वाई। फॉलो कर पा रहे हैं इतनी चीज? अब जब इन सारी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या रिजल्ट में भी आपको 3x3 मैट्रिक्स ही मिलेगी? यस। और उसके बाद जो भी आपके कोऑर्डिनेट देखिए आप डायरेक्टली ऑपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट में बाद में आऊंगा, मैं आपसे सवाल पूछना स्टार्ट करता हूं, आप बताएं भाई कितने डिग्री पर रोटेट करना है? रोटेट तो करना था, ये नहीं बताया कितना करना है, आप बताएं 45 करूं 90 करूं कितना करूं? ऐसा कर लेते हैं जिनकी बात में साइन और कॉस की वैल्यू कैलकुलेट करना आसान हो, मेरे ख्याल से 90 बेटर रहेगा, बिकॉज 45 आप जानते हैं 1/√2 डिफरेंट कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं फिलहाल 90 ले लेता हूं। ओके, अगेन बताइए स्केल कितने से करना है, एक्स पैरामीटर क्या लूं और वाई क्या लूं, व्हाट शुड बी द एक्स पैरामीटर? अच्छा चलिए, तो मीनाक्षी ने बोली ऐसे कर लेता हूं, एक्स पे ले लेता हूं 2 और वाई पे ले लेता हूं 3। ठीक है, अब आप मुझे ट्रांसलेशन भी बता दीजिए कितना कितना ट्रांसलेट करना है, एक्स साइड में प्लस माइनस कितना कितना करना है, कौन सा प्लस कौन सा माइनस, दोनों 3 3 करें। ठीक है, दोनों 3 3 लिख लेता हूं। तो आप मुझे बताओ जब आपको क्वेश्चन देगा तो क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन में मिसिंग होगी, कि एक वो बोलेगा ट्रायंगल है पहले 90 डिग्री से रोटेट करना है, है ना, उसके बाद एस पैरामीटर से स्केल करना है, फिर 3 3 डिस्टेंस पे ट्रांसलेट करना है, बताओ रिजल्टेंट कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अब आपको पहले ये इक्वेशंस भरनी पड़ेंगी, एक्चुअल मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट मैट्रिक्स, लेकिन एक बार कंपोजिट मैट्रिक्स अगर आई तो फिर रिजल्ट निकालना शायद बहुत आसान होगा। तो अब मैं जरा ये फिल कर लेता हूं जल्दी से, कॉस 90 माइनस साइन 90 0 0 0 0 1, एंड नाउ दैट इज साइन 90 एंड कॉस 90। फॉलो कर पा रहे? अब हमारे पैरामीटर के अनुसार 2 0 0 0 3 0 एंड 0 0 1, और अगेन जो ट्रांसलेशन हमने करने की कोशिश की है 3 3 0 1 0 0 1। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, क्या आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना जानते हैं? ओके, तो प्रैक्टिस आपकी करनी है तो मैं वेट करूं, आप 2 मिनट लो और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके मुझे रिजल्ट बताओगे? चलो जल्दी से। अच्छा, कॉस 90 की वैल्यू क्या है ये बता दो भाई, कल भी हमने की थी, कॉस 90 इज
जीरो, ओके, और साइन 90, वेरी गुड, तो कॉस 90 पे जीरो और साइन 90 पे वन फिल कर लो, और जरा तीनों का मल्टीप्लाई करके मेरे को बताओ। थोड़ा सा इसमें हमारा जो मैट्रिक्स वाला आइडिया है वो भी इस्तेमाल हो रहा है। सरफेस रोटेशन होगा तो इजी होगा, ट्रांसलेशन स्केलिंग रोटेशन मल्टीप्लाई तो रिवर्स, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ गौतम, जिस ऑर्डर में ऑपरेशन करना है वही अपने को करना है। अगर उसने बोला फॉर एग्जांपल पहले ट्रांसलेट करना फिर स्केल, तो बस मैट्रिक्स ऑर्डर चेंज कर दो, जो ऑर्डर में आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो उसी ऑर्डर में आप मैट्रिक्स लिखोगे, बस इतना बोल रहा हूँ। यस ओके, तो यहां पर सॉरी मुझे कोऑर्डिनेट बता रहा है, बाकी आप बताइएगा मैट्रिक्स, सॉरी बता रहा है 0 माइनस 3 माइनस 9 2 0 0 एंड 0 0 1, बाकी लोग बताएं फिर चेक करके। टू थ्री पर सिक्स होगा यहां पे, ओके सर अब चेक करो भाई आपने क्या गलती की है, बाकी बताइए बाकी सेम आ रहा है क्या। ओके ठीक है, तो सब लोग का सेम आ रहा है, तो मान लेता हूं यही रिजल्टेंट हमारी मैट्रिक्स है। और अब मैं काम करता हूं कि हम ग्राफ के पास चलते हैं, एक ग्राफ ले लेते हैं है ना, और ये मैट्रिक्स दोबारा से मैं लिख लेता हूं ताकि अपने को याद रहे, आपने बोला 0 माइनस 3 माइनस 9 2 0 6 एंड 0 0 1, अभी क्या बचा हुआ है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, तो आप मुझे बताओगे कौन क्या कोऑर्डिनेट ओरिजिनल, या ये लिबर्टी मैं अपने हाथ में ले लेता हूं इस बार, हमें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करना है। तो चलिए लेट मी टेक, पहले क्या किया, पहले रोटेट किया है, फिर स्केल किया है, बड़ा किया है, उसके बाद ट्रांसलेट किया है। ओके तो मैं कुछ ऐसा लेता हूं, सिंपल सा ट्रायंगल ले लेता हूं लाइक दिस, मान लीजिए हमारा ओरिजिनल इमेज है, तो बताएंगे क्या क्या कोऑर्डिनेट हमको मिला, 0 0 लेट मी कॉल दिस ए, 3 0 लेट मी कॉल दिस बी, और 3 3 लेट मी कॉल दिस सी, चलेगा। अच्छा अगेन मैं यहां पर भी आपसे पूछता हूं, जब मैं दोबारा इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा पहले आपको लिख के बता देता हूं, जब तक एक कोऑर्डिनेट था तब लिखते थे एक्स वाई डब्ल्यू, लेकिन अभी तीन कोऑर्डिनेट आपको चाहिए तो अलग अलग तो नहीं करूंगा, तो आप तीन बार लिख सकते हैं। तो मैं पहला लिख रहा हूं ए के लिए 0 0 1, डब्ल्यू की वैल्यू 1, बी देखिए बी हो जाएगा 3 0 1 और सी देखिए 3 3 1, क्या बात फॉलो कर पा रहे हैं, यस और नो, यस ओके। तो अब यहां पर जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की ही मिलेगी, बिकॉज 3 क्रॉस 3 को आप 3 क्रॉस 3 से ऑपरेट करेंगे। ओके तो अब जरा मैं जल्दी से फिल करने की कोशिश करता हूं, आप भी मदद करिएगा, दिस इनटू दिस आप करेंगे तो मेरे ख्याल से पहला वैल्यू मिलेगा माइनस 9, नाउ दिस इनटू दिस माइनस 9, नाउ दिस इनटू दिस अगेन शेयर माइनस 9 एंड दिस इनटू दिस, ओके ये तो शायद मिलेगा माइनस 18, फॉलो कर पा रहे हैं क्या। सेकंड रो पे चलता हूं, दिस इनटू दिस आई गेट 6, दिस इनटू दिस आई गेट 12 एंड दिस इनटू दिस, तो यहां पर भी शायद 12 ही मिलेगा, हालांकि तीसरा करने की अपने को जरूरत नहीं है। अब आप देखिए कि आपको अपडेटेड कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं, तो ये आपका नया कोऑर्डिनेट है ए डैश, ये आपका नया कोऑर्डिनेट है बी डैश, और ये आपका नया कोऑर्डिनेट है सी डैश। तो यहां तो मेरे को लगता है बनाना मुश्किल होगा, बिकॉज यहां पे हमने सिर्फ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ही लिया है ना, तो एक मिनट रुकिएगा। ओके इधर हम ट्राई कर सकते हैं, वैल्यू देखिए माइनस 9 6 माइनस 9 12 माइनस 18 12, मैं इधर आ जाता हूं, माइनस 9 6 माइनस 9 12 माइनस 18 12, ये कोऑर्डिनेट्स आए हमारे, बस अंदाजा लेने के लिए आपको समझाने के लिए हुआ क्या होगा। और ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स अपने को याद है, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स क्या क्या थे, ये ट्रायंगल था। ओके अब जरा देखिए यहां पर क्या है, नया ए क्या है, नया ए आया है माइनस 9 6 पे, माइनस 9 और प्लस 6 पे नया ए आया है, समथिंग लाइक माइनस 9 प्लस 6, इधर दिस इज न्यू ए, सॉरी माइनस 9 इधर नीचे देखिए एक बार, ओहो मैं क्या बना रहा हूं, एक्स का वैल्यू माइनस वाई का वैल्यू पॉजिटिव है, आई एम सॉरी एक्स का वैल्यू माइनस वाई का वैल्यू पॉजिटिव है, इधर आया है ए, ए डैश बोल देता हूं बल्कि, यस अच्छा अगेन एक्स का वैल्यू माइनस 9 और वाई का वैल्यू 12, तो मेरे ख्याल से यहां तो नजर नहीं आएगा, कहीं ऊपर आ रहा है बी डैश, क्योंकि वाई वैल्यू और पॉजिटिव है, यहां कहीं आएगा बी डैश, और एक्स का वैल्यू माइनस 18 और वाई का वैल्यू 12, तो ये हमारी सीमा से बाहर और पीछे चला जाएगा ये, है ना। बट अगेन आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर करना चाहेंगे इधर ए है इधर बी है इधर सी है, जब आप इसे 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ऐसा ही कुछ शायद होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, सॉरी कुछ इस तरह से होना चाहिए था, नीचे ए होगा ऊपर बी होगा इधर सी होगा, तो मेरे को समझ आ रहा है इतना, तो ये ए और बी आप देख पा रहे हैं और सी भी जो है वो सेम कोऑर्डिनेट पे है, बिकॉज सी भी 12 नंबर पे है, तो यस इट इज मेकिंग सेंस कि आपने पहले रोटेट किया फिर ट्रांसलेट किया फिर स्केल किया। आप मुझे बताएं ये जो होमोजेनियस कोऑर्डिनेट जो कंपोजिट मैट्रिक्स निकालने का गेम है, क्या समझ पा रहे हैं आप, है ना। और आज की क्लास अगर आपने समझी है तो देखिए बहुत अच्छा होमवर्क क्वेश्चन है कल के लिए, क्या नेट में बैक टू बैक ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, बहुत सिंपल और बहुत आसान है,
है ना। और सभी क्वेश्चन सिंपल है, जैसे यहाँ देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया लास्ट टू लास्ट ईयर, पूछा है अगर पहले स्केल करना है और फिर ट्रांसलेट करना है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगी, फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर पूछा है ये प्रॉपर्टी है, ये भी आपको बतानी है, आप खुद भी समझ सकते हैं। ये देखिए एक ट्रायंगल ओरिजिनल कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, कह रहा 45 डिग्री पर रोटेट करना है अबाउट द पॉइंट 1, 1, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा किसी पॉइंट अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, तो नए ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। लेकिन पॉइंट ये कि सिर्फ ट्रांसपोजिशन का पूछ रहा है, कोई नई बात नहीं है। ये क्वेश्चन है कि अगर 2.5 आपके पास है और अगेन 1.2 के अकॉर्डिंग बाय 60 डिग्री रोटेट करना है तो नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अच्छा ज्यादातर रोटेशन ही पूछा है, तो 2.2 के अकॉर्डिंग रोटेट करना है नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और यहाँ पर 90 डिग्री रोटेट करना है और स्क्वायर को और फैक्टर है स्केलिंग का दिस, नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। चलो एक पॉइंट वैसे मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप चाहोगे तो कल मैं आपको डेरिवेशन भी करा दूंगा, बट चलो आप मेरे को बात बताओ, एक पॉइंट बताइएगा। जी हाँ, ऐसा सोचे तीनों लिखना होगा जो काम बोला, मान लीजिए अगर उसने सिर्फ रोटेशन ही बोला है तो उस केस में क्या आपको ट्रांसलेशन या स्केलिंग की जरूरत है, नहीं, तीनों बोला तो तीनों लेना है ना। हाँ, एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मान लीजिए अभी जो हमने गेम पढ़ा था ना, ये डेरिवेशन हमने किया, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ये नया मेरे पास एक पॉइंट है पी एक्स वाई और मेरे को रोटेट करना है 30 डिग्री अबाउट ओरिजिन, तो नया पॉइंट कहाँ आएगा, उसकी इक्वेशन बनाना आप जानते हो, यस। लेकिन मान लीजिए सवाल ये नहीं है, सवाल है कि एक और यहाँ पर पॉइंट है, लेट मी कॉल दिस, क्या नाम है उसका, नाम क्यों रख लेता हूँ, क्यू एक्स डैश वाई डैश, आपको बोल रहा है कि रोटेट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में नहीं, रोटेट क्यू के रेस्पेक्ट में करना है 45 डिग्री, तो फिर बताओ नया पी डैश क्या होगा, फॉलो कर पा रहे हैं। ये जितने क्वेश्चन आपने देखे यही आइडिया है, लेकिन आप मुझे बताओ, मेरे को अलग से बताने की जरूरत है, मैं आपको पहले से बता चुका हूं, अगर आपको किसी पॉइंट क्यू के अकॉर्डिंग करना था आप काम कर सकते हो, पहले क्यू को ट्रांसलेट करके ओरिजिन पे ले जाओ, कर सकते हो, तो पहले आप ट्रांसलेशन अप्लाई करो, और ट्रांसलेशन कैसे करोगे, माइनस कर लो भाई, तो एक्स जो है वो माइनस एक्स डैश हो जाएगा इतना पीछे और वाई इतना नीचे लेके आना है, तो जब क्यू चला जाएगा ओरिजिन पे, फिर ओरिजिन के रेस्पेक्ट पर रोटेट करना आपको आता है, यस, और उसके बाद बैक ट्रांसलेट करके दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आओ। तो दरअसल किसी पॉइंट के अगर अकॉर्डिंग रोटेट करना है तो कोई नई क्वेश्चन मेरे को नहीं बतानी आपको, मेरे को बताना कि पहले उस पॉइंट को ट्रांसलेट करके ओरिजिन पे लेके जाते हैं, फिर ओरिजिन पे रोटेट करते हैं और फिर दोबारा ट्रांसलेट करके बैक पोजीशन पे लाते हैं, फिर देखते हैं रिजल्ट मैट्रिक्स क्या आ रही है, फॉलो कर पा रहे हैं। तो एक अच्छी बात क्या है, जितने क्वेश्चन है मैंने कोशिश किया इसे कॉम्प्लेक्स ना करूं, और सॉल्यूशन भी इस पीपीटी में साथ में आपको मिलेगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है, अगेन आप देखेंगे पाइवट पॉइंट है 1, 1, इसके अकॉर्डिंग 45 डिग्री पर रोटेट करना है, आप कोशिश करिएगा करना क्या है, मैंने लिखा हुआ है, पहले ओरिजिन पर ट्रांसलेट करना है, रोटेशन करना है, ट्रांसलेट बैक करना, पूरा सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप किया है, यस। तो इसके बाद देखिएगा कैसे फॉलो करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, बट थोड़ा सा होमवर्क करेंगे, जो डेरिवेशन था हमने किया उस पर काम करेंगे तो आपको रिजल्ट समझ आएगा, कल इसके ऊपर फिर फर्दर डिस्कशन में करूंगा, यस। चलिए, मेरे ख्याल से आज की क्लास बहुत काम की, बहुत इंपॉर्टेंट रही है, बिकॉज ये आइडियाज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बचा हुआ आइडिया अपन कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, कंटिन्यू करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कल मिलते हैं फिर, अब आज इवनिंग में आपकी क्लास नहीं है ना, ओके।